पीथमपुर के नगर पालिका द्वारा आज महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर 14 नवनिर्मित दुकानों की चाबियां व्यापारियों को सौंपी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल ने बताया कि पूर्व में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई 14 दुकानों पर उस समय संकट खड़ा हो गया था जब विश्व बैंक द्वारा शहर के व्यस्ततम आयसर चौराहे को अपने मत से सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका से लिया गया। करीब 25 वर्षों से अपना व्यापार कर रहे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट हो गया। व्यापारी अपनी समस्या को लेकर नगर पालिका से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काटने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे। कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका व व्यापारियों के बीच कुछ दौर की बातचीत के बाद आज सभी 14 व्यापारियों को बस स्टैंड के प्रांगण में बनी दुकानों का आवंटन कर दिया गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। WHO का जो पैसा फंड आया है, उन लोगों की डिमांड थी, कलेक्टर साहब को आदेश करा था उन लोगों ने कि 14 दुकानें यहाँ से हटा के कहीं और स्थापित की जाए। तो हमने निवेदन करके कलेक्टर साहब, SDM महोदय और CMO साहब से बात कर कर के परिषद की बैठक बिठाई और बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया कि ये 14 ही लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए बस स्टैंड पर, और इन 14 ही भाइयों को रोजी रोजगार से लगाया। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इनको पहले से करके दे दिया है। आपका नाम? सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि। जो काफ़ी समय से जो 14 दुकानें जो रोड पे आयसर चौराहे पे लगी हुई थी, काफ़ी वर्षों से ये परेशान हो रहे थे, तो नगर पालिका परिषद जैसे ही कांग्रेस की बनी, ये लोग कांग्रेस परिषद के पास आए, मेरे पास आए। हम लोगों ने प्रयास कर जो कांग्रेस की हमेशा और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की हमेशा मंशा रहती है कि उन्हें रोजगार लगाएं और रोजगार दें, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ, हमारी नगर पालिका ने, कांग्रेस की पार्टी ने यहाँ उनको दुकानें आवंटित करी। मैं पूरी परिषद का आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सराहनीय काम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। आपका नाम? कुलदीप सिंह बुंदेला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।